फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आया हूँ इसको टेंपल, यानी कि जो भगवान कृष्ण और राधा का जो टेंपल यानी मंदिर है, मैं आज वहीं पे आया हूँ। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ इसके बारे में, अगर जब भी आप दिल्ली आते हो तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको यहाँ पर आते हो तो मेट्रो से अगर आते हो तो कालकाजी मंदिर जो है वहीं पे उतर कर गेट नंबर 1 और 2, यानी कि गेट नंबर 1 और 2 जो है दोनों तरफ से जो है यहाँ पे आ सकते हो। और जैसे ही निकलकर बाहर गेट नंबर 1 से आते हो या 2 से जैसे ही बाहर आप आते हो, उसके जस्ट बाद ही है जो ये कालकाजी मंदिर, सॉरी इसको टेंपल है, यानी कि राधा और कृष्ण का जो मंदिर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं वहाँ पर और वहाँ पर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सकेगा, मैं जितना जानता हूँ उसके बारे में मैं उतना बताऊँगा। और अगर आप लोग अगर हम मुझसे जो कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ ये बात आपने नहीं बोली। ठीक फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम वहीं पे इसको टेंपल यानी कि राधा कृष्ण के जो टेंपल मंदिर है उनके वहाँ पे चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम वहाँ पर और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं, जो इसको टेंपल है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, इसके जस्ट बगल में जो है कि लोटस टेंपल यानी कि कमल का जो मंदिर है वो है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है कि उसका भी ब्लॉगिंग करना है, तो आप लोग बने रहिए। और जितना भी दिल्ली का ब्लॉग होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, हम चलते हैं वहाँ पे जो राधा कृष्ण का जो मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ का वहाँ से जो है आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है कि जो मतलब क्या बोलूँ कि झूला वगैरह खेलने के लिए जो है बहुत सारे जो सामान हैं, और जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग भी आते हैं, ना केवल भारत के बल्कि विदेश के भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं और इस टेंपल का जो इस मंदिर का आनंद लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यही है जो है कि खेलने के लिए झूला वगैरह बनाए गए। सो फ्रेंड्स, हम बिना लेट किए हुए वहाँ पर जाएँगे, फिर हमको घर भी जाना है, और जो है कि घर जाकर फिर हमको काम भी है और दूसरे जगह की व्लॉगिंग भी करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे ब्रो सब, मतलब ब्रो के ही सामान है, वो लोग बहुत सारे जो लोग है कि यहाँ पे झूला वगैरह झूल रहे हैं। और जो है कि इस मंदिर के अंदर जो झूला वगैरह भी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मेरे सब फ्रेंड्स हैं और ब्रो भी है, वो लोग सब लोग जो है कि झूला झूल रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और जो है कि हम चलते हैं वहाँ पर और वहाँ का नज़ारा आपको फिर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे जो है कि सारे जो ब्रो हैं मेरे, वो लोग जो है कि झूला झूल कर और मेरे चैनल का जो है बहुत ही तारीफ़ किए ये लोग। तो आप लोग से भी ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके ब्रो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैठने के लिए मतलब जो लाल पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, और जो है कि यहाँ पे घूमने के लिए जगह भी काफ़ी है, मतलब मैं बोलूँ क्या जगह के लिए। तो हमको तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब तकरीबन आधा घंटा से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और मेरा पैर भी दुख गया है। और जो है कि यहाँ पे बैठने झूला झूलने के लिए जो है कि हम पहले आपको दिखा ही दिए, और आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा यानी कि फूल वगैरह जो बहुत ही खूबसूरत है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हम वहाँ पर और वहाँ से हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, जो है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो बने रहिए, हम चलते हैं वहाँ पे जो राधा कृष्ण का जो मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ से वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि जो है कि ये राधा कृष्ण का जो मंदिर है ना, तो ये जो है कि बहुत ही सारा पुराना है, मन बहुत ज़्यादा पुराना है। इसमें जो है कि और सब भी जो भगवान हैं उनकी भी मूर्ति है, जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। और जो है कि जो इसमें गीता जो है ना, इसमें गीता का भी एक किताब रखा गया है, जो अभी फ़िलहाल 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए और यहाँ पे आके उनका जो उस किताब का गीता का जो है कि उद्घाटन किए, जो उसका लंबाई जो है कि जो वज़न है उसका तकरीबन 800 केजी का है। तो आप लोग बने रहिए, चलते हैं वहाँ पे, तो हम सब कुछ दिखाते हैं कैसे क्या है अंदर जाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। सब आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया ना कि जो वो पत्थर
पत्थर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा है बैठने वगैरह के लिए। अब बैठने के लिए जो है पत्थर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और जो आप देख सकते हो यहाँ पे फूल की और वृक्ष भी बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, हम चलते हैं वहाँ पे तो आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यही है इसको टेम्पल, यानी है यही है राधा कृष्ण का जो मंदिर, जो मंदिर टेम्पल है वही है। आप लोग देख सकते हो हम तो यहाँ लाइव जो देख रहे हैं, तो आप लोग भी देखो और जो है कि वीडियो को लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जो भी भाई जो भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं वो लोग जो है कि इस टेम्पल पे आके और मतलब देखे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ से अभी तो दूर में ही है फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं नज़दीक, तो वहाँ से भी आपको और अंदाज़ा लग सकता है कि कितना खूबसूरत होगा। सो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, आप लोग देख सकते हो यही है इसको टेम्पल। चलिए चलते हैं और आगे और नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम जो है कि यहाँ पे आ चुके हैं, जो इसको टेम्पल है यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत, टेम्पल मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है। तो आप लोग बने रहिए पूरा ब्लॉग के एंड तक, और हम चलते हैं वहाँ पे, अंदर भी जाएंगे और अंदर जाकर हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। सो देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग है, जो भी गाड़ी वगैरह आते हैं तो यहाँ पे जो वही पार्किंग बनाया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अंदर, और अंदर का नज़ारा फिर हम आपको दिखाते हैं और वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जो है गेट नंबर 4 से अंदर जाने वाले हैं, जो इसको टेम्पल है इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसे एंट्री करते हो तो यहाँ पे जो है गार्ड से मिलते हैं, और जो है ये लोग आपको चेकिंग करेंगे कि कुछ जो है आप सामान लिए नहीं हो ना जो ख़तरनाक हो। तो हम अभी चेकिंग करेंगे और उसके बाद से फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम जो है कि अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो ये इसको टेम्पल है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम अंदर आ चुके हैं और जो है कि अब अंदर घूमेंगे, तो आप लोग बने रहिए पूरा ब्लॉग के एंड तक, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम तो अंदर आ ही चुके हैं, और ये देख सकते हो ये है इसको टेम्पल। और तो चलिए हम चलते हैं इसको टेम्पल के अंदर, और वहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया वो आपको दिखाता हूँ, और फिर जो है कि हमको निकलना भी है, फिर दूसरे भी जगह का ब्लॉगिंग करना है, यानी कि लेटेस्ट टेंपल का भी ब्लॉगिंग करना है। तो फिर हम लोग मिलते हैं थोड़ा, अभी तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद से वीडियो कंटिन्यू करते हैं अंदर चलकर। बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो चलिए चलते हैं हम अंदर और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं हम अंदर और अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। अभी जो है कि हमने शूज़ अपना उतार दिया है, और चलते हैं हम अंदर और अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। सो जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो आपको मतलब सीढ़ी से होकर जाना होता है मंदिर के अंदर, यानी टेम्पल को जो उसको पार्क है उसको टेम्पल है उसी के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से जो है कितना खूबसूरत दिख रहा है इसको टेम्पल, और जो है नीचे में भी दिखाएं आपको, तो ये देखिए नीचे का नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरे फ्रेंड्स, कि आपको जो है ये आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉगिंग जो है ये आपको कैसा लग रहा है। सो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा फिर दिखाते हैं, और जो है कि फिर वहाँ पे जो होगा आप खुद देखिएगा ही, तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर में म्यूज़ियम भी है, और जो है कि हम आपको पहले बताए थे ना कि अंदर में जो मूर्ति राधा कृष्ण का है वो आपको पहले हम वो दिखाएँ, उसके बाद से जो देखना है वो देखिए। तो सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि राधा कृष्ण का जो टेम्पल है यही है, और कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आपको घूम करके दिखा दूँ, और भीड़ कोई ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे, भीड़ बहुत ही कम है। सो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और जो आपको देखते आप देख सकते हो ये जो है कि यहाँ पे अभी पूजा हो रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे जो है कि श्री सीता और श्री राम और श्री सीता और लक्ष्मण हनुमान सबका जो है मूर्ति रखा गया है। तो आप देख सकते हो यही है राम जी लक्ष्मण और सीता और हनुमान का जो है यही है मूर्ति रखा। आपको देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मतलब बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। बट आप लोग जब भी यहाँ पे आइए तो आप लोग से एक विनती है कि आप लोग यहाँ पे आकर ना और इस टेम्पल का आप आनंद लीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। आप लोग देख सकते हो ना थोड़ा लाइटिंग से मतलब ये हो गया है, लाइटिंग के लिए अंधेरा दिख रहा है, इसीलिए जो है कि थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उससे कोई नहीं है।
बस थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद से फिर जो है कि वीडियो को एंड करेंगे, हम बाहर जाएंगे। आप देख सकते हो ये है श्री राधा कृष्ण का जो है टेम्पल यानी मूर्ति है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और कई जगह चल कर दिखाते हैं आपको जो भी अंदर म्यूजियम वगैरह जो है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये जो मूर्ति है ये नरसिम्हा देव का मूर्ति है, और आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत है ये। और मैं अंदाज़ा करूँ कि ये मतलब तकरीबन 4 से 5 फीट के अंदर में बनाया गया है, कितना खूबसूरत ही बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है, भीड़ है, भीड़ भी बहुत काफ़ी है, और यहाँ पे पूजा पाठ का काम भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और ये लाइटिंग का जो है कि आपको भी देख सकते हो कितना खूबसूरत लाइटिंग भी है। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत मज़ा आएगा। और बाहर भी निकलेंगे तो वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको, बाहर का नज़ारा जो है वो भी दिखाएंगे। और जो है दोस्तों अभी जो है अभी कुछ और बाकी है, तो वहाँ पे और बाकी देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को एंड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप लोग मूर्ति देखो, और अगर आप लोग पहचानते हो तो उसको आप बताओ कि मूर्ति है इनको क्या है। मैं ही बता देता हूँ, ये जो मूर्ति है गौरा नीता का मूर्ति है। आप लोग देख सकते हो ये भी तकरीबन 5 से 7 फीट के अंदर में बनाए गए हैं, कितना खूबसूरत है आप लोग देख सकते हो। सो दोस्तों, आप लोग को जितना हो सका मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, अभी जो है अंदर भी चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बाहर निकलेंगे आप लोग देख सकते हैं जो है कि यहाँ पे जितने भी मैंने बताया था ना कि श्री राम लक्ष्मण और हनुमान का जो पिक्चर है, और राधा कृष्ण का है, और भी बहुत सारे जो हैं पिक्चर दिखा दिया हूँ। तो आप लोग बने रहिए, अभी जो है अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। सो बस सो दोस्तों, देख सकते हो हम जो है कि थोड़ा अंदर घूमते हैं, और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है कि टीचर देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे नाम भी लिखा है किनका किनका है। तो आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जो है कि पूरा जो है पिक्चर पिक्चर है। तो आप लोग देख सकते हैं जितना हो सका मैंने आपके साथ ये सब रखा, और आपने जो है कि मुझे आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि मैं जो भी ब्लॉग आपके पास जाए और आप लोग जो है कि मेरा वीडियो देखें। सो चलिए आगे और देखते हैं, और आगे चलकर देखते हैं कितना जो है कि ये है वहाँ पे जो है कि फ्रेंड्स। मैंने आगे कैमरा इसलिए करके नहीं बोला क्योंकि जो है कि वहाँ पे सेल्फी करना मना है, सेल्फी करना मना है, और इसलिए मैंने जो है कि वहाँ पे सेल्फी से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक, तो आप लोग बने रहिए, आप देखिए पूरे जो है कि मैंने अंदर का पूरा ग्राउंड घूम लिया हूँ, और आपको मैंने बताया ना कि जिस पिक्चर पे जो है उसका नाम लिखा हुआ है पिक्चर पे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और देखिए दोस्तों जो है कि फिर मैं उसी स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे मैंने आया था। तो आप लोग आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो है ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। जो दोस्तों चलिए चलते हैं, फिर बाहर और बाहर से आपको दिखाता हूँ वहाँ का जो बाहर से नज़ारा है वो दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं हम बाहर, और फिर बाहर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही है म्यूजियम यहाँ पे, जो पहले मैंने आपको बताया था, और इसको टेंपल जो आप लोग देख सकते हो यही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो बने रहिए ब्लॉग को पूरा एंड तक, बाहर निकलते हैं और बाहर का फिर नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जो है कि हमने अंदर से जितना भी हो सका उतना आपको दिखा दिया हूँ, और जो है कि अब थोड़ा बाहर से भी देख लीजिए आप लोग। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है नज़ारा है इसको टेंपल का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मतलब मज़ा आ गया देखकर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए, ताकि जो भी न्यू ब्लॉग्स डालूँ उसको उसका उन लोगों को भी लाभ हो जो आप लोग देखते हैं। सो आइए थोड़ा सा बाहर से घूम लें, और उसके बाद फिर वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं जो इसको टेंपल है वो कितना मतलब खूबसूरत दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और मतलब
मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स। और आप लोग भी जब दिल्ली आते हो तो यहाँ से आकर जो इसको पार्क का नज़ारा देख सकते हैं, और यहाँ पे आकर जो भी है आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं जो बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी नीचे भी और कुछ है, हम वहाँ पे दिखाएंगे नीचे, और उसके बाद से फिर जितना हो सकता है उतना हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी जो है नीचे भी कुछ टेम्पल जो मतलब जो जिनका जिनका मूर्ति है वो भी है, तो आप लोग बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको। और देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से मिल रहा है देखने के लिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि मैं जो भी न्यू ब्लॉग्स डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम नीचे, और नीचे का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मतलब नीचे का जो नज़ारा है आपको कितना खूबसूरत दिख रहा है। और चलिए दोस्तों चलते हैं हम नीचे, और वहाँ से फिर नीचे की ओर चलकर दिखाते हैं आपको। तो हमें भी नीचे की ओर चल रहे हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं हम जो है कि अभी नीचे उतर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो कितना खूबसूरत बनाया गया, आप लोग इसका नज़ारा आप लोग देख सकते हो, जो है कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा जब आपको इसको टेम्पल के पास आते हो। और बात रहा यहाँ क्या जो आप देख सकते हो जो ये टेम्पल, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो मूर्ति है आपको ये किसका मूर्ति है। चलिए हम वहाँ नीचे चलकर फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का, आपको जो है कमेंट करके बताना है कि ये टेम्पल जो है ये मूर्ति किसका है। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। सो मैं बता दूँ कि जब भी मंदिर के अंदर आते हैं आप लोग तो यहाँ पे खाने वाले के लिए खाने का जो व्यवस्था सब है, और यहाँ पे मूर्ति जो आपको अगर कृष्ण और राधा का जो मूर्ति चाहिए तो यहाँ पे ये सब मिलता है, कपड़ा वगैरह सब मिलते हैं। तो बने रहिए, चलिए हम चलते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि ये जो मूर्ति है, आप लोग कमेंट में अगर पहले बताओ कि ये मूर्ति किसका है फिर मैं बताऊँगा। देख सकते हो ये जो है श्री कृष्ण जी का मूर्ति है। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो नज़ारा है कितना खूबसूरत नज़ारा है, मेरे को तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो है पानी भी रखा गया है, जो है कि श्री कृष्ण जो है कि जो आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो है कि ये पानी के अंदर से निकले हुए थे, वही नज़ारा यहाँ पर रखा गया है। सो बने रहिए, देख सकते हैं ये यहाँ का जो भी नज़ारा है कितना खूबसूरत दिख रहा है, फूल वगैरह से जो भी है। सो बने रहिए, हम चलते हैं और आगे और वहाँ का फिर हम दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिटोरियम है, और फिर हमको निकलना है तो हम निकल रहे हैं नीचे फिर हम लोग देखेंगे और कुछ वो दिखाएंगे, और ना जो है कि ब्लॉग को एंड करेंगे। सो बने रहिए ब्लॉग के पूरा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जो है इसको टेम्पल कितना खूबसूरत दिख रहा है, और जो है कि मज़ा भी बहुत आया घूमकर। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो हम जो है बाहर निकल रहे हैं, फिर बाहर निकलकर उसके बाद से जो है वीडियो को एंड करेंगे। सो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, और देखिए बहुत ही खूबसूरत। अभी जो है कि बहुत कुछ बाकी है दिखाने के लिए, फिर हम दिखा लेते हैं उसके बाद से जो है वीडियो को एंड करेंगे। सो दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पे भी है जो कि मतलब तकरीबन 7-8 से ज़्यादा दरवाजे हैं आने के लिए अंदर। सो मैं तो गेट नंबर 4 से आया, आपने देखा ही, और ये देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। सो बने रहिए, फिर हम बाहर निकलते हैं उसके बाद से ब्लॉग को इन भी करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। देख सकते हैं ये नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो दोस्तों देख सकते हैं ये जो है वैदिक प्रदर्शनी है, तो चलिए अंदर चलते हैं वैदिक प्रदर्शनी के अंदर, और अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। सो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, और आपको दिखाते हैं वैदिक जो है कि यही है वैदिक प्रदर्शनी, कितना खूबसूरत नज़ारा है आप लोग देख सकते हो। इनका जो है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए दोस्तों फिर चलते हैं आगे, और आगे भी दिखाना है आपको, जितना भी हो सकता है मैं दिखाते चलता हूँ आपको। बट आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको मैं दिखा दूँ ये जो है श्री कृष्ण भगवान का जो है मूर्ति, तो आपको अंदर चलकर दिखाता हूँ, या अभी तो अलाउड का पता ही अलाउड है या नहीं अंदर जाना पूछ कर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चलकर। सो बने रहिए, देखिए।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि जो गीता किताब रखा गया है और जो मूर्ति है इसी के अंदर है। तो आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे जो जितने भी मूर्तियाँ रखी गई है, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं और फिर जो है कि वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये जो है श्री कृष्ण भगवान का जो मूर्ति रखा है यही है, और इतना खूबसूरत देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे आपने कृष्ण लीला में देखा था वैसे ही सिम यहाँ पे भी बनाया गया है। और दोस्तों ये जो है शंकर जी का जो है यही है पिक्चर यानी मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने बताया था ना वो जो गीता के बारे में, तो ये देखिए दोस्तों यही है गीता का जो बुक किताब है यही है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन किए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। और सो दोस्तों जो है कि 26 फरवरी 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है का है कि यही जो गीता का उद्घाटन किए हुए थे, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और तकरीबन इसका वेट कितना होगा? ये दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता है। हाँ, और इसका वजन एक मिनट। जो यहाँ पे जो गार्ड हैं उनसे मैं कुछ बात करूँगा और फिर जो है कि आपको गीता के बारे में बताऊँगा। बने रहिए ब्लॉग के एंड तक और गीता के बारे में सुनिए। फ्रेंड्स, यही है जो गार्ड है जो गीता के बारे में, जो गीता भगवत की किताब के बारे में कुछ बताएंगे हमको। अंकल जो इसके बारे में कुछ बताइए हमको। हाँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता है। हाँ, और इसका वजन जो है ये 300 kg है, 800 kg। हाँ, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है जी, और पूरा 4 मीटर। हाँ, इसकी लंबाई जो है 2.8 मीटर। हाँ, 670 pages है जो हम लोग डाउन करके डेली इसकी चेंज करते हैं, पलटते हैं। हाँ, पलटने में 2 लोग लगते हैं। हाँ, और इसका पेपर जो है सिंथेटिक पेपर है जो यूएसए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, बिल्कुल वाटर प्रूफ है और न पानी में गल सकता है न पानी में फट सकता है। इसका बैक कवर जो है सेटलमेंट मटेरियल से बना हुआ है। हाँ, इटली के मिलान शहर में बना है। इसको बनाने में 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है और 2 करोड़ की लागत से बना है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया। ओके, और इधर देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है कि यही है, आप लोग देख सकते हैं। इस गीता भगवत जो है ना किताब के बारे में जो इतना वर्ल्ड बुक्स का रिकॉर्ड जो मिला है इसको यही मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जो अंकल जो है कि अभी बताया आपको कि रोज़ मतलब हर एक दिन जो है कि एक पेज पलटा जाता है, जो इस पेज को पलटने में तकरीबन 2 आदमी लगते हैं एक पेज को पलटने में। अभी मैं आपने सुना यहाँ पे और आप लोग ने देखा। आप लोग बने रहिए और देख सकते हैं ये जो है कि भगवत गीता जो है किताब जो है ना बहुत ही खूबसूरत जो है, अभी जो है इसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, अभी जो हम अंदर तो गए नहीं है, अंदर जाते तो पढ़ते फिर आपको बताते। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि अंकल इसमें कितने पेज हैं, 670 pages। हाँ, अंकल ने बताया कि इसमें 670 pages है, 670 pages है इसमें, 700 श्लोक है, 18 अध्याय, 700 श्लोक है। तो आप लोग देख सकते हैं इस किताब का जो है कि कितना मतलब ये है। और अंकल ने बताया कि 2019 में 26 फरवरी को जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है कि यहाँ पे आकर और इस किताब का उद्घाटन किए थे। बने रहिए और भी जो होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद से जो है कि फिर बाहर निकलेंगे। आप लोग देख सकते हो ये अंदर का जो कितना नज़ारा कितना खूबसूरत है। और यही जो अंकल है हमको जो जितना भी डिटेल्स जो इस किताब के बारे में हमको जानना था यही जो है बताया हमको। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर कि मैं आपने मुझे ये बताए जितना भी इसका किताब इस किताब के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप लोग देख सकते हैं और जो ये है शंकर भगवान का जो ये मूर्ति रखा गया है आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति रखा गया है आप लोग विष्णु भगवान का है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो बुक किताब भी रखे हुए हैं। तो आप और अगर आप लोग इसमें आते हो तो अंदर आने के लिए इसमें 250 का टिकट लगता है, जो तकरीबन 30 से 45 मिनट का शो होता है। तो अभी जो है कि हमने टिकट लेकर ही आया था अंदर, और जो है कि आप लोग देख सकते हैं ये है कि कृष्ण भगवान का जो है मूर्ति है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है।
हम फिर निकलते हैं और फिर आगे चलकर हम आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपने आशा करता हूँ कि आप लोग जो है कि इस यहाँ का जो नज़ारा आप लोग देख लिया होगा, और आप लोग देख सकते हो ये जो गीता भगवत गीता किताब जो है ना, ये एक स्टैंड पर खड़ा किया गया है। भारी मतलब इतना ज़्यादा 80 kg मान लीजिए कितना ज़्यादा ये होगा। ठीक, तो आप लोग बने रहिए, चलिए चल फिर चलते हैं फिर दूसरी जगह भी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये जो तस्वीर दिख रहा है आपको आपके सामने। चलिए दोस्तों फिर आगे हम निकलते हैं और आगे का नज़ारा जो है आपको दिखाते हैं, बने रहिए अभी। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपने जितना हो सका आपको घुमा दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरा ब्लॉग वीडियो जो था आपको बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पिन करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए, जो दिल्ली से रिलेटेड जितने भी वीडियो है आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए ब्लॉग के। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।